दानियाल अजीज, वेलकम टू माय शो। बहुत मेहरबानी जी, थैंक यू। इससे पहले आप अंग्रेजी में बात कर रहे थे। हाँ, क्योंकि आपने अंग्रेजी में सवाल पूछा तो मैंने अंग्रेजी में जवाब दिया। क्या जवाब दिया था? मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। वेल एग्जैक्टली, सो आई वांटेड टू बिगिन विद इंग्लिश एक्चुअली, जस्ट अ फ्यू लाइंस। क्यों नहीं? बिकॉज व्हेन आई फर्स्ट न्यू यू, यू वर अ चबी 10-year-old at the Lahore American School, and your sister Kiran and I were in the same class. We were a few years senior, and we were glamorous teenagers, and you were a fat, cute, pink little 10-year-old. काफी अंग्रेजी बोल रही है। उदों असी तुहानू दानियाल नू डैनी सददे सां। हाँ, बचपन इच मेरा निकनेम पै गया सी। And so Najam and I have always called you Danny. So may I continue with that? Well, you can call me Danial, but privately you can call me Danny. तो दानियाल, जब भी मैं किसी का इंटरव्यू करती हूँ तो मैं हमेशा उनके एंटीसिडेंट्स जो होते हैं, जो उनके आबा अजदाद होते हैं, उनके बारे में ज़रूर बात करती हूँ, क्योंकि वहाँ से पता चलता है कि बंदा क्या है और उसने क्या करना है अपनी ज़िंदगी में। तो तुम 1965 में लाहौर में पैदा हुए, लेकिन तुम्हारे वालिदैन जो है ना, वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि चौधरी अनवर अज़ीज़, जिनको मैं और मेरे शौहर नजम सेठी हमेशा से जानते थे, उनको किताबों का बहुत शौक़ था, दानिश्वर थे, सियासी कारकुन भी थे, वकील भी थे। वो शकरगढ़ की एक पढ़ी लिखी फैमिली से उनका ताल्लुक़ था। आपके दादा भी पढ़े लिखे थे। फिर आपके वालिद मिशिगन गए और वहाँ पर उन्होंने यूनिवर्सिटी LLM करने गए मिशिगन। जी बिल्कुल। एंड दैट्स व्हेयर ही मेट योर मदर कैथलीन। जी बिल्कुल। शी वाज रीडिंग हिस्ट्री ऑफ आर्ट। जी बिल्कुल। अगली कहानी तुम बताओ। बस फिर वो उनकी शादी होगी। मेरी अम्मी जो हैं, उन्होंने इस्लाम अपना लिया मज़हब के तौर पर, और फिर वो चले गए कैलिफोर्निया। वहाँ पर मेरे वालिद साहब की पहली जॉब मिली थी उनको, जिसमें वो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी को असिस्ट कर रहे थे कोलोराडो रिवर वाटर्स केस में। बड़ा मशहूर केस है अमेरिका में। तो उसके बाद उनकी चाहत थी फार्मिंग की, तो पाकिस्तान आके फिर सियालकोट में उन्होंने अपनी वकालत शुरू कर दी, और फिर 1962 में, 1965 में इलेक्शंस में शामिल हो गए। तुम्हारी वालिदा कैथलीन ठेठ पंजाबी बोलती थी। जी बिल्कुल। और यानी कि हमारे घर में पंजाबी बोली जाती है। एग्जैक्टली, तुम्हारी पहली मादरी जबान जो थी वो पंजाबी थी। मैं कभी किसी गोरे शख्स को नहीं मिली जो अंग्रेज़ी तो वो बोलती थी मेरा अमेरिकन एक्सेंट, जिस तरह तुम बोलते हो जब तुम बात करते हो अंग्रेज़ी, लेकिन जब वो पंजाबी बोलती थी तो वो कहती थी होण। उसकी वजह है ना, क्योंकि वो 5 साल गांव में रही थी शकरगढ़ में। अच्छा। तो वहाँ पर उन्होंने पंजाबी बोलनी सीखी, तो फिर वो उनका जो पंजाबी का लहजा है वो भी वही वाला है। यहाँ पर आके इसी मिट्टी में रचना, काम करना, जान माल धन मन की बाजी लगाना, ये कहाँ से आया तुम्हें? ये तो मेरे वालिदैन की तरफ से था जी, क्योंकि मेरी अम्मी का बहुत स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक था, बहुत स्ट्रॉन्ग। अमेरिका में जो मिड वेस्ट है, उनमें जो होम स्टडर मैंटेलिटी होती है एक, उन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगियां बनाई वहाँ पर, जब उनके बावजदाद आए तो यूरोप से। तो उसके बाद उनके उनमें ये चीज़ उनके DNA में समझ लें आप शामिल है। लाहौर अमेरिकन स्कूल से पढ़ के फिर तुम बॉस्टन यूनिवर्सिटी गए। बॉस्टन यूनिवर्सिटी मैंने इसलिए चुना था, एक तो उन्होंने स्कॉलरशिप मुझे बहुत अच्छी दी थी, और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर इकनॉमिक्स में पाकिस्तान के ऊपर एक सेंटर था। 1960s में एक हार्वर्ड की टीम आई थी, हार्वर्ड ग्रुप पाकिस्तान आया था पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए। जी, और उनमें से कुछ लोग जो हैं, जिसमें एक का नाम बहुत मशहूर है गस्टा पापानेक। बिल्कुल। वो वहाँ पे थे। बिल्कुल। वो मेरे प्रोफेसर हैं। अच्छा, पापानेक वाज योर प्रोफेसर? जी। ही वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन द अयूब खान डेवलपमेंट एरा इन पाकिस्तान। दैट्स राइट। जी बिल्कुल। तो वहाँ जो पाकिस्तान को सीखने के लिए, उससे बेहतर जगह अमेरिका में नहीं थी। तो जब तुमने वो अपनी डिग्री ख़त्म कर ली तो तुम सीधा पाकिस्तान वापस आए। तो सीधा पाकिस्तान वापस आके क्या किया? क्योंकि मेरे वालिद साहब ने कहा था अगर डिग्री मुकम्मल नहीं करोगे तो तुम पाकिस्तान नहीं आ सकते। तो मैंने जैसे ही वो मुझे मिल गई हाथ में, तो मैं फिर भागता आया वापस पाकिस्तान, और आते साथ ही मैंने अपने वालिद साहब को दे दी कि ए लो तुहाडा हिसाब किताब, हुण मैं अपनी मर्जी करनी है। और सीधा तुम सुना जलसे में चले गए? जी बिल्कुल। वहाँ से सीधा एयरपोर्ट से जलसे में गया, और मैं उस वक्त नारोवाल 1990 में नया ज़िला बना था, तो 1991 में पहला ज़िला काउंसिल का इलेक्शन था। तो मैं अपने आबाई गाँव में जो 2 यूनियन काउंसिल्स थी, कोट नैना और बारामंगा, उन दोनों से दोनों मिला के एक ज़िला काउंसिल की सीट बनती थी, तो उस पर मैंने ज़िला काउंसिल का इलेक्शन लड़ा। चौधरी अनवर अज़ीज़, तुम्हारे मरहूम वालिद 1990 में एक कत्ल केस में मुलव्वस हो गए। उनको मुलव्वस कर दिया गया या हो गए या जिस तरह भी था, वो बड़ा एक उनके लिए पेचीदा मरहला था। तो तुम नए नए यहाँ वापस आए थे उस वक्त, कैसे उसके साथ तुमने डील किया? उसमें हुआ ये था जी कि जो मेरे वालिद साहब का अपोजिशन कैंडिडेट था वो एक्चुअली हार्ट अटैक से वफात पा गया, और चूँकि वो डेड बॉडी उनको मिल गई तो उन्होंने उसके ऊपर जो है ना कत्ल का मुकदमा मेरे वालिद साहब पे और हरीडली उनको बेरी कर दिया। जबकि उनके अपने घर वाले जो थे वो कहते थे कि उनके ऊपर जिस्म के ऊपर कोई गोली का निशान नहीं था। तो वो मेडिकल बोर्ड नहीं बैठा रहे थे और 32 ख़ानदान जो हैं वो ज़ेर ज़मीन हो गए थे। कोई बलूचिस्तान में छुपा हुआ था, कोई फाटा में, कोई सिंध में। तो मेरे वालिद साहब सिंध में थे, तो उस वक्त जाम सादिक साहब की हुकूमत थी। तो ज़रूरत पड़ गई उस वक्त की हुकूमत को कि गौस अली शाह साहब जो प्रेसिडेंट थे सिंध के PML-N के, वो अपनी सीट सिंध में से तो हार गए थे लेकिन उनको जितवाना शायद ज़िद थी या जो भी है। तो वो रिक्वेस्ट की उनको, मेरे वालिद साहब को, कि अगर आप इनको जितवा देते हैं वहाँ नारोवाल से तो ये मेडिकल बोर्ड वगैरह बैठ जाएगा तो आपको इंसाफ मिल जाएगा। तो इस तरह से गौस अली शाह साहब आके नारोवाल से MNA बने, तो ये सौदा था, और फिर डिफेंस मिनिस्टर बने और साथ ही मेडिकल बोर्ड का ऑर्डर हो गया। और फिर वो जो हमारे यहाँ, जैसे कि आपको पता है, ये कब्र कुशाई जो है वो बड़ी बुरी समझी जाती है, बुरी गिनी जाती है। तो वो ख़ानदान फिर मेरे वालिद साहब के पास आ गए कि जी हमें पता है कि वो गोली से नहीं मरा, तो हम केस वापस ले लेते हैं, आप हमारी कब्र ना खोते हैं। तो वो सुलह होगी। 1997 में उस वक्त तुम इंडिपेंडेंट MNA की हैसियत से शकरगढ़ से इलेक्शन लड़े। जी बिल्कुल। तो क्या हुआ? मैं जीत गया। 93 में भी मैं इंडिपेंडेंट लड़ा था और मैं थोड़े से वोटों से, कोई 270 वोटों से इलेक्शन हार गया था। 1993 से लेके जो 97 तक जो 4 साल थे उसमें दिन रात जो है हमने फोकस किया हल्के के ऊपर। स्पेशली मेरे वालिद साहब ने, उनको बड़ी इस बात की तकलीफ़ हुई थी कि मैं 93 का इलेक्शन हार गया था। मुझे मालूम है क्योंकि लाहौर आया करते थे, हमें मिला करते थे। वो हल्के के कीड़े थे, वो हर बंदे की मजाज पुरसी, उसकी खुशी गमी, हर चीज़ में शरीक हुआ करते थे। और जब उनको मौका मिलता था, क्योंकि वो भी इलेक्शन लड़े और वो भी जीते, तो हमेशा मैंने ये पाया कि वो आके हमें बताते थे कि अब मैंने इस कॉलेज को फ़ाल किया, इस स्कूल को अपग्रेड करवाया। तालीम के ऊपर उनका बहुत कंसंट्रेशन होती थी, बहुत तवज्जो देते थे। शायद इसी की वजह है कि शकरगढ़ में औरतों की खानदगी भी 85% है और मर्दों की उससे ज़्यादा होगी। तो आप हैरान होंगी कि शकरगढ़ की पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, वो 97%। तो ये चौधरी साहब की इसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, उनका बहुत हिस्सा है। अच्छा, लेकिन दानियाल, वो जब सेठी साहब और मेरे साथ बैठ के बातें करते थे तो हमेशा तुम्हारी शिकायत करते थे, हमेशा तुम्हारी शिकायत करते थे। ये तो वालदैन की अपना मेरे ख्याल में आदत होती है। हम जब तुम्हारे बारे में पूछते थे ना कि डारिंदा की हाल है चौधरी साहब दसो, तो कहते सन मैं चौधरी साहब तो थानू की दसा, तो मेरी गल ही नहीं मनता, मेरे कहने च ही नहीं है कि मैं थानू दसा। तो लंबिया लंबिया शिकायतां तेरियां लांदे सन। एक्चुअली वो जो उनका तर्ज सियासत था ना, मेरा तर्ज सियासत उससे बहुत मुख्तलिफ था। तुम्हारा तर्ज सियासत उनसे मुख्तलिफ था, ठीक है, जनरेशनल फ़र्क भी होता होगा। नहीं, लेकिन मैं रिजल्ट्स की बात कर रहा हूं। अच्छा चलो, रिजल्ट्स तुमने फिर दिए और ऐसे वैसे, अच्छा चलो ठीक है। लेकिन हम चौधरी साहब को भी बड़ा सियासतदान समझते हैं ना। है, बिल्कुल है, वो है, थे, बिल्कुल थे। और उन्होंने बुनियाद तुम्हारे लिए रखी। ये जो बुजुर्ग हैं हमारे वहाँ पर शकरगढ़ के, हमारे ग्रुप के, उन्होंने हाथों पाँव से सियासत की है। या आज टिकटॉक और ये ट्विटर वगैरह, बच्चे होंडा 70 की किक मारे तो अपना कुछ पोस्ट लगा दी तो समझिए सियासत है। उस वक्त तो बेकायदा डांगा चल दिया सन। 1997 में नून लीग की हवा के बावजूद जब उनको 2/3 मेजोरिटी मिली तो तुम इंडिपेंडेंट जीते दानियाल, और उसके बाद फिर तुम इंडिपेंडेंट रहे। जी बिल्कुल। सुनने में आया है कि तुम्हें मिनिस्ट्री भी लोकल गवर्नमेंट की ऑफर हुई थी, तुमने क्यों ना ली? परवेज़ रशीद साहब मेरे बड़े ही करीबी रहे हैं और बड़े, मतलब मेरे वालिद साहब के भी बहुत दोस्त। क्या उम्दा आदमी है वो। जी, मेरे साथ भी बड़ी मोहब्बत करते हैं। वो PTV के हेड लगे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि यार ये चीज़ें लिख के ना तो आप इस फैक्स नंबर पर भेजें। तो वो आप मियाँ साहब का था, तो मियाँ साहब ने मुझे एक मीटिंग पे बुला लिया जहाँ पर इकोनॉमी पे फैसला होना था कि FBR, उस वक्त ये CBR कहलाती थी, इनके जो टैक्स सिस्टम था उसको रिफॉर्म करना था। उनका ये मानना था कि लार्ज टैक्स पेयर यूनिट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे दफातर बड़े टूटे फूटे हैं, तो कोई भी अमीर आदमी वहाँ जाने के लिए राज़ी नहीं है। मैंने कहा जब तक आप इंसेंटिव्स ठीक नहीं करेंगे जो टैक्स अथॉरिटी है उनके, तो तब तक ये टैक्स आपसे कलेक्ट नहीं हो पाएगा। बड़ी मशहूर कहावत है, इफ़ यू पे पीनट्स यू गेट मंकीज़। करेक्ट। तो एनीवे उन्होंने बड़ा अच्छा लगा उनको ये मीटिंग में। तो जब हम जा रहे थे बाहर तो मियाँ साहब ने मुझे कहा अच्छा आपने बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट किया, तो हम मिलते हैं फिर जल्दी, इसको आगे लेके चलते हैं। मैंने कहा नहीं मियाँ साहब ये आपकी और मेरी आखिरी मुलाकात है, हमारा बड़ा अच्छा किया, अच्छा लगा आपसे मिल के और आपने बुलाया मुझे। कहते हैं वो क्यों? तो मैंने कहा इसलिए कि ये जो सारे आपके करीब खड़े हैं ना ये सब इंश्योर करेंगे कि हम दोबारा नहीं मिलेंगे। उसके बाद 1999 का जनरल मुशर्रफ का कू हुआ। उस वक्त तुम यूएनडीपी में थे शायद जी, और उनके साथ कंसल्टिंग कर रहे थे जी। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने दो अदारे बनाए, एक नैब था और एक नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो था। तो नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो जो था उसका ये काम था कि पूरे पाकिस्तान के गवर्नेंस को रिकन्स्ट्रक्ट करना था। उसके तीन फेजेस थे, एक था कि प्रोविंशियल से लोकल गवर्नमेंट बनानी है, एक था कि फेडरल टू प्रोविंशियल डेवोल्यूशन, वो फिर आके ये रज़ा रब्बानी साहब और उनकी उस वक्त की गवर्नमेंट ने 18वीं तरमीम के तहत मुकम्मल किया, और जो आखिरी था वो प्रोविंशियल रिकन्स्ट्रक्शन थी टू शेड द लोकल गवर्नमेंट एंड अडॉप्ट द फेडरल फंक्शंस जो डिवॉल्व हुए थे। वो हिस्सा जो है ना वो रह गया हुआ है, और इस वजह से अभी हमारे पास बड़े टॉप हैवी वॉबली प्रोविंसेस हैं जिन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी खींच लिया सब कुछ, और फेडरल गवर्नमेंट से भी ले लिया सब, और लोकल गवर्नमेंट भी नहीं चलने दी, और पैसे भी ले लिए फेडरल गवर्नमेंट से और लोकल गवर्नमेंट के भी पैसे ले लिए, और बिल्कुल वॉबली टॉप हैवी सी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनी हुई है। तो इनका आखिरी फेज जो है वो इतना अहम है, फिर ही जो है ना इसका फ़ायदा आवाम तक पहुँचेगा और ये सारा सेटल होगा ये रिफॉर्म जो है। लेकिन लोकल गवर्नमेंट की जो शुरुआत थी वो तो उस वक्त हो गई थी, तहसील नाज़मीन वगैरह ज़िला नाज़मीन बने, और डिवोल्यूशन काफ़ी हद तक हुई, पास भी डिवॉल्व हुए, फंड्स भी डिवॉल्व हुए। 2008 में उसकी जड़ मार दी ना, 2008 में उसकी वो ख़त्म हो गया सब कुछ। क्यों? क्योंकि जो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ, वो 2005 में इसके लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हुए, और 2002 में प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली के इलेक्शन हो तो कैसे, वो अब 2008 में होने थे। तो 2005 के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में बहुत सारे लोग जो एमपीए थे और वज़ीर भी थे, और एमएनए थे और वज़ीर भी थे, और सादा एमएनए भी थे, उन्होंने इन ऐवानों से इस्तीफ़े दे के और लोकल गवर्नमेंट कंटेस्ट करना ऑप्ट किया, क्योंकि वहाँ जो वो काम जानते थे या जो करना चाहते थे वो अब वहाँ चले गया था। तो ये हमारे बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारी हिस्ट्री के, चाहे हमें मतलब लेजिस्लेशन के स्पेलिंग ना आते हो लेकिन हमने स्पीकर ज़रूर बनना है क्योंकि असी बड़े बड़े पे ओहदे पुत्तर हैं। फिर उसके बाद 2008 की इलेक्शंस आने से पहले कुछ थोड़ा बहुत ये काम रोल बैक होना शुरू हो गया, लोकल गवर्नमेंट का जो होना चाहिए था उसको जिस तरह फ़ाल होना चाहिए था, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ने उसको रोल बैक करना शुरू कर दिया। ये क्यों हुआ और कैसे हुआ? इसमें जी जो लोग जो प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर और वो जो क्लिक थी पॉलिटिकल जो इंस्टॉल की हुई थी परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, शुरू में तो वो लाइक माइंडेड कहलाते थे, लेकिन जब उनको मौका मिला तो वो इसको हम जो डेवलपमेंट लैंग्वेज है इसमें क्लॉ बैक कहते हैं, तो वो पावर्स जो हैं वो क्लॉ बैक करने शुरू हो गए, क्योंकि वो असल में वो पावर्स थे जो वो चाहते थे कि वो इस्तेमाल करें और अपनी सियासी साख बनाएँ। क्योंकि पहले फार्मूला ये रहा है कि मिलिट्री आपको इंस्टॉल करती है, आप वो रेवड़ियाँ बांटते हैं, आपकी सियासी साख बन जाती है, वो जमात की शक्ल बन जाती है, और फिर आप राज करते हैं। अगर वो उस वक्त इनको चलाते प्रॉपरली और इनको सपोर्ट करते पुली और उस फलसफे को लेके चलते तो शायद आज तक भी उनका नाम होता। जब तक फाल लोकल गवर्नमेंट्स नहीं होंगी लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगा। नहीं, रिलीफ की कहानी ख़त्म हो गई, क्योंकि रेवड़ियाँ बांटने वाली ख़त्म हो गई है पाकिस्तान में, अब वो सियासत ही नहीं चल सकती। इसलिए ये सारे जितने भी हैं इंक्लूडिंग पीटीआई, ये आपको जो नज़र आ रहे हैं ये मछली के बाहर पानी की शक्ल अपना रहे हैं, कभी इस तरफ तरफते हैं कभी उस तरफ तरफते हैं और मुंह ऐसे ऐसे खोलते हैं। तो ये इनको जो है ना इनकी ये हालत हुई हुई है। तो मुझे लोग पूछते हैं अक्सर कि जी अपना ये पाकिस्तान का ये मुस्तकबिल क्या है ये जमातों का, तो मैं कहता हूँ कि जब किल्ली की दुम उतर जाती है ना तो काफ़ी देर तक हिलती रहती है, ये इनकी कैफियत। उससे पहले मुशर्रफ की अभी दौर चल रहा था, तुमने उस वक्त मुस्लिम लीग कायदे आज़म को ज्वाइन कर लिया। जी, जब 2002 में इलेक्शन हुआ तो उस वक्त जब सियासत बहाल हो गई तो उस वक्त एक चॉइस थी कि क्या करना है। तो जितने भी लोग मुंसलिक थे उस वक्त के जो रिफॉर्म्स थे जिसका मैं एक किस्म का मतलब करता धरता था, तो वो फिर काफ लीग में चले गए। ये हुआ था, काफ लीग में चले गए। हाँ, ये नहीं सोचा कि जमहूरी पार्टीज़ के साथ रहें जो आमरीत के ख़िलाफ़ हैं। देखें जी, उस वक्त जो जमहूरी पार्टीज़ ने जो कर गुजरा था पाकिस्तान के साथ, और उस वक्त शायद मैं थोड़ी सी आपकी याद दहानी करवा दूं, उस वक्त मिलिट्री को कहा जा रहा था कि आप रेलवे भी चलाएं, मिलिट्री को कहा जा रहा था कि आप लाहौर की सड़कें भी बनाएं FWO के ज़रिए, मिलिट्री को कहा जा रहा था कि आप PIA भी टेक ओवर करें, यहाँ तक कि मिलिट्री को कहा जा रहा था कि आप अदालतें भी चलाएं। तो मिलिट्री ने कहा कि आखिरकार इन्होंने ये भी हमें कहना कि ये कूड़ा करकट भी आप ही उठा दिया करें। तो ये सब किस लिए है? ये जो महंगे बैठे हुए हैं मुस्लिम लीग नून है, इनका जो जन्मदिन था वो 85 का पार्टी सिलेक्शन था, जो 85 में पार्टी सिलेक्शन था जिसमें PPP ने हिस्सा ही नहीं लिया। वहाँ से फिर ये लोग जो 79 के लोकल गवर्नमेंट की ट्रेनिंग लेते लेते वो फिर प्रोविंशियल असम्बलीज़ में आ गए, जबकि शायद उनका कद पोत इतना था ही नहीं कि वो प्रोविंशियल असम्बलीज़ में आने के काबिल होते। अच्छा, और एक सेकंड के लिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद फिर जब नून लीग बन गई, पहले वो जनेजो लीग थी, उसके बाद जब नून लीग बनी तो फिर ये 90s में फेडरल लेवल पे आ गए सारे लोग जो बेसिकली काउंसलर थे। तो वो ट्रेनिंग की हद तक तो ठीक है, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है ना दानियाल, कहीं से तो शुरू होना है ना। एक सेकंड, मैं सियासतदान को कहीं से तो शुरू होना है। उन्होंने सीखा था ना वो गली नाली वाला, वो पहले वो प्रोविंशियल लेवल पे ले आए, फिर वो फेडरल लेवल पे। लेकिन दानियाल तुम्हें जेब नहीं देता कि तुम ये बात करो, क्योंकि तुम इन्हीं पार्टीज का हिस्सा रहे हो, ठीक है, इन्हीं पार्टीज का हिस्सा रहे हो। तुम सारा वक्त इंडिपेंडेंट नहीं रहे, तुम क्यू में भी रहे हो, तुम नून में भी रहे हो, तुम इन पार्टीज का हिस्सा रहे हो। उस वक्त तो तुमने ये बात नहीं की, तो क्यों नहीं की? तो तुम अब तुम्हें जेब नहीं देता कि तुम ये बात करो। क्यों नहीं की मैंने ये बात? मैं तो सर पीट के, मेरा तो मैं तो इसीलिए तो मुझे साइडलाइन किया गया क्योंकि मैं ये बातें करता हूँ इकोनॉमी के बारे में और लोकल एम्पावरमेंट के बारे में। मैं ये बात बार बार स्ट्रेस करता था कि आपको ये काम करना चाहिए, कल को आपको ये आप पछताएंगे कि आपने नहीं किया, और वही हुआ। लेट्स टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। मंसूर अली शाह जब यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक लैंडमार्क जजमेंट दी थी फॉर द राइट्स ऑफ सिटीजंस, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वो आइन में एक्चुअली आर्टिकल 140A है जो लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात को प्रोटेक्ट करता है। तो उसमें लिखा हुआ है, ईच प्रोविंस शैल बाय लॉ एस्टैब्लिश अ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एंड डिवॉल्व its financial, administrative and political authority and responsibility to the elected representatives of such local governments. Correct. And devolve. So it'll establish by law and devolve, not centralize. तो अभी जो मुंतकिल करेगा, अभी जो उसके बाद कानून कवानीन बने हैं तो वो सारे यही कहते हैं आर्टिकल 140A को मद्देनजर रखते हुए सारा कुछ, अब हम सब कुछ सेंट्रलाइज कर ले, तो वो डिवॉल्व तो ना हुआ ना। मंसूर अली शाह ने उसको करेक्टली इंटरप्रेट करके सिटीजंस राइट को प्रोटेक्ट किया, बिल्कुल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया, उन्होंने उड़ा के रख दिया। साकिब निसार साहब का पहला डिस्ट्रक्टिव काम था ये, जी पहला नहीं, शायद बहुत किए उन्होंने, लेकिन लोकल गवर्नमेंट के साथ पहला ये था जो नुमाया उनका डिस्ट्रक्टिव काम पहला। लोकल गवर्नमेंट के साथ पहली ज्यादती ये हुई है उनकी, और बेशुमार है उनकी। 2013 में तुमने मुस्लिम लीग नून का टिकट लेके इलेक्शन लड़ा और जीते, ठीक है। उसके बाद तुम मुस्लिम लीग के जो रुए रवां थे उनके बहुत करीब रहे, मैंने तुम्हें खुद देखा है मीडिया सेल में, इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, यू वर वेरी क्लोज टू बोथ मरियम नवाज शरीफ एंड द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, एंड यू वर वेरी मच पार्ट ऑफ द इनर सर्कल। व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? एक तो बीच में पैनामा पेपर्स आया, तुमने बहुत डिफेंड किया, और तुमने आउट ऑफ द वे जाके तुमने बहुत मुतहरक होके ये सारी बात की जो, और मियाँ नवाज शरीफ के साथ उस वक्त ज्यादती भी उसी साकिब निसार ने दोबारा भी की, तो तुम ठीक थे, तुमने अपनी पार्टी के लिए जंग लड़ी। लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि जब तुमको उसने डिस्क्वालीफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो क्या तुम्हारी किसी ने उसके बाद तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया? जब पंजाबी के अंदर तड़ी कंड नहीं कजी किसी ने, नहीं कजी ना जी। ये नून लीग जो है ये तो मशहूर है इस बात से कि जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो हर चीज़ हाजिर होती है, तो जब उनको ज़रूरत नहीं रहती तो फिर सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो जाती है। लेकिन बहरहाल मुझे फ़ख्र है जो मैंने किया, और कोई ऐसी बात नहीं, और ये मैं समझता हूँ कि जो भी इन्होंने फ़ैसला किया है ये टिकटों का मेरे बारे में, ये मेरे ज़ाती ख्याल में नून लीग का लॉस हुआ है, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पर कितना फुकदान है उन लोगों का जो कि कुछ रिसर्च कर सकते हैं, जो कोई पॉलिसी डिज़ाइन कर सकते हैं। तुम अभी परसों चौथ तक तो तुम नून लीग में थे ना, तुमने उनको टिकट नहीं दिया, उन्होंने तुम्हारा जो भी उनके साथ झगड़ा हो उसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन अगर तुमने पार्टी पॉलिटिक्स करनी है और पार्टीज़ के अंदर रहना है तो इस तरह खुल के तो तुम बात नहीं ना कर सकते जिस तरह तुम कर रहे हो, क्योंकि बाकी सारे तो मुनाफिक हैं। देखें मैंने साबित किया है 10 साल जो थे इससे पहले के जब ये रिफॉर्म हो रहा था तो मेरे साथ उस वक्त के जो पॉलिटिकल लीडरशिप थे उन्होंने भी यही किया था एग्जैक्टली। और फिर अभी 10 साल जो है मैंने नून लीग के साथ गुजारे, इन्होंने भी यही किया है। मे बी यू आर इन द रॉन्ग प्लेस। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे से लोग जो है ना, इट्स दिस डजंट हैपन टू मी बिकॉज ऑफ सम वीकनेस कि मेरे मुंह को जो है ना लगाम नहीं है और मुझे बात करने के लिए। दिस इज हैपनिंग टू मी बिकॉज ऑफ माई स्ट्रेंथ, क्योंकि मेरे से लोग, मैंने पूरा पाकिस्तान नया बनाया हुआ है, मैंने तमगे लिए हुए इस बात की, वो सबूत है, हिस्ट्री का हिस्सा है। अब जब पाकिस्तान मुश्किल में पड़ा है तो सारे जो है वो कहाँ सलूट कर रहे हैं, तो काम तो उनके साथ मैंने किया 10-12 साल। तुमने इस लीडरशिप के साथ खुशी खुशी इन वेरियस फॉर्म्स एंड शेप्स एंड साइजेस एंड वेरियस पार्टीज खुशी खुशी तुमने कई दिहाइयाँ गुजारा भी किया, ठीक है। आज तक यानी कल तक तुम इनके टिकट के भी तलबगार थे, मुझे लेट मी फिनिश, तुम इनके टिकट के भी तलबगार थे और अब तुम वो बातें कर रहे हो जो कि हमारे दरबारी कल्चर में फिट नहीं होती। मैं तो तुम्हारे साथ अग्री कर रही हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ तुम खुल के बात कर रहे हो, तुम हकीकत बयान कर रहे हो, लेकिन 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 ये जो कल्चर है पार्टीज का, यहाँ पर यू कांट कॉल आउट द लीडरशिप and still expect to get tickets from them। दानियाल, उस वक्त बड़ा फर्क था ना जी, उस वक्त बड़ा फर्क था जी, बिल्कुल। उस वक्त हम सिविल सुप्रीमेसी की जंग लड़ रहे थे कि जब पैनामा पेपर्स का सिलसिला शुरू हुआ तुमने जाके अपनी लीडरशिप की डिफेंस पेश की। मैंने सिर्फ डिफेंस नहीं ऑन द मीडिया, मैंने सिर्फ डिफेंस नहीं की, मैंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को टेक ऑन कर लिया था। जो ICIJ था, मैंने उनको ख़त लिखा था एज MNA फ्राम पाकिस्तान। वेबसाइट के ऊपर जो आपकी जिम्मेदारी लिखी हुई है उसके मुताबिक में मैं राइटफुल प्लेस में हूँ कि आपको मैं लिखूँ और आप जवाब दें कि नवाज शरीफ का तो पैनामा पेपर्स में नाम ही नहीं है, तो आपने कैसे अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला हुआ है। तुमने हर लेवल पे जंग की, अपनी लीडरशिप के लिए जंग की, उनके साथ ज्यादती भी हुई। हुआ क्या, तुम्हारे साथ क्या हुआ इन द सुप्रीम कोर्ट? मेरे ऊपर जो केस उन्होंने बनाया उसमें 2-3 चार्जेस थे, तो तीनों में मैं एक्विट हुआ हूँ। एक चार्ज जो था वो स्क्रिप्ट का लफ्ज़ था। मैंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये कहा था जब इमरान खान और जहांगीर तरीन का फैसला हुआ, जो वो भी केस मैं ही लड़ रहा था, हालांकि दरखास्ती हनीफ अब्बासी था, तो उस केस में मैंने कहा था कि जहांगीर तरीन को सज़ा दी गई है और इमरान खान को बख्श दिया गया है और ये एंड स्क्रिप्ट के मुताबिक था। हालांकि स्क्रिप्ट का लफ्ज़ जो था वो तो PTI का जो प्रेसिडेंट था जवेद हाशमी, उसने ईजाद किया था। जब उसने आके बताया कि जब मैं तकलीफ़ होती थी तो इमरान कहता था कि तुम रिलैक्स करो, ये फैसला हो गया कि जुडिशरी ने सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर नवाज शरीफ को निकाल देना है, तो तुम इतना एजिटेट ना हुआ करो। साड़ी गल हो गई है। हाँ, गल हो गई है। सो द पॉइंट इज़ के वहाँ से ये स्क्रिप्ट का लफ्ज़ आया था। तो हमने, मेरे वकील ने कहा भी कि हम विटनेस बुलाना चाहते हैं मखदूम जवेद हाशमी साहब को अपने डिफेंस में, तो उन्होंने कहा जी नहीं, उनको आप नहीं बुला सकते। तो वो अड़ गया मेरा वकील। आखिरकार फिर चूँ प्रेशर बहुत था तो उसने रोज़ी भी वहीं से कमानी है, फिर उसने मुझे कहा यार ये रहने दें आप, तो मैंने कहा चलो ठीक है। सो दे हेल्ड यू इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? दे हेल्ड मी गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट जी, टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट। ना हाथ कड़ी लगी ना कुछ, मैं तो इतना ड्रामा था बाहर, बख्तरबंद गाड़ियाँ, रेंजर, ये वो सारा कुछ। जब मैं आ रहा था वो कार्ड लेने के लिए तो मैंने उनसे पूछा भाई बड़ा मसला बने की है, उन्होंने कहा जोई साहब थोड़े वास्ते आए ने। मैं क्या अच्छा, वो केस मैंने गिरफ्तार करना है, जहाँ देखते हैं जी। तो मैं चले गया अंदर, तो उन्होंने कहा टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट। लिटरली को 5 सेकंड के ना कोई सिपाही मेरे साथ एक कदम भी नहीं रखा, कोई चहल कदमी भी नहीं की उन्होंने। उसके बाद तुम्हें 5 साल के लिए डिस्क्वालिफिकेशन फेस करनी पड़ी, क्योंकि वो कहते थे आप माफ़ी मांगे और मैं कहता था अगर मैंने गलत नहीं किया तो मैं माफ़ी क्यों मांगूँ। 2018 की इलेक्शन में तुम्हारी बेगम, जिनका नाम माहनाज अकबर अजीज़ है, उन्होंने तुम्हारी जगह शकरगढ़ में इलेक्शन लड़ा। उस वक्त उनको PML-N ने टिकट दिया, तो उदों तो तेरी कंड कजी ना उन्होंने डैनी, जो तुमने उनके लिए कुर्बानी दी, उन्होंने हक अदा कर दिया, टिकट दिया, महाराज जीती। वो कुर्बानी का हिस्सा थी, वो टिकट जीत गई, तो जीती तो मेरे वोटों तो से, लेकिन वो कुर्बानी का हिस्सा थी। बिकॉज़ दानियाल तुम्हें तो चीफ जस्टिस ने डिस्क्वालीफाई किया था ना 5 साल। नो, माय पार्टी हैड डिसाइडेड, मेरी पार्टी ने ये डिसाइड किया एज अ पार्टी पॉलिसी कि हमने माफी नहीं मांगनी, इसलिए मैंने माफी नहीं मांगी। तो तुमने अभी तो मुझे कहा है कि मैंने कहा कि मैंने गलती नहीं की तो मैं माफी क्यों मांगू। पार्टी पॉलिसी थी, मैंने ये कहा है, बिल्कुल पार्टी पॉलिसी को मैंने फॉलो किया। तो यू वर इन एग्रीमेंट विद दैट। जब मैं कह रहा हूं तुम्हारे अपने ज़मीर की आवाज थी ना, मैं कह रहा हूं ना, तो ये फिर उनका कसूर तो नहीं है ना। पहले ही आपने कहा मैंने फखर से किया, उनका कसूर तो नहीं है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जो जो यार ये फैसला कर लो, तुम्हारे अपने ज़मीर की आवाज थी कि उनका कहना था, दोनों थे, चलो बस ठीक है ना, बड़ी अच्छी बात है। What a confluence of interests. But they gave your wife the ticket. But that was that was not a reward. Please understand, you're turning it around on its head. Ganga ulti to nahi beh rahi, main kaise maan jaun? That was part of the qurbani. कि मैं 5 साल बाहर बैठा हूँ तो मैं कोई मर्जी से बैठा हूँ कि जी इनको आप बना दें जिनको मतलब ना हल्के का पता ना कुछ ना कुछ। ये तो दानियाल, या तुम ये कहो कि जी मैं इसका बिल्कुल कायल नहीं था कि मैंने माफ़ी नहीं मांगनी, मैं माफ़ी मांगना चाहता था, मेरी पार्टी ने मुझे रोका कि तुम माफ़ी ना मांगो। किस चीज़ की माफ़ी? कि जी मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं किया। किस चीज़ पे? वो चीज़ आप पी गई है ना, जो सिलसिला मैं अपनी फैक्ट्री डिफेंड कर रहा था। बात सुनो मेरी, मैं अपना कोई लोन डिफेंड कर रहा था। दानियाल, हमें सबको पता है 2018 में उल्टी गंगा बह रही थी, तो मैं पनामा पेपर डिफेंड कर रहा था। गंगा बहती उल्टी है, मैं सिविल सुप्रीमेसी डिफेंड कर रहा था। तो ये हालात ऐसे बन गए ना, तो नहीं आई एग्री, बट आप जो कह रही है कि ये बहुत बड़ा मुझे तमगा दे दिया कि जनाब आपने कुर्बानी दी है, टिकट, वो कुर्बानी का हिस्सा था। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, मैं डिसएग्री कर रहा हूँ आपसे। 2018 में महानाज जीत गई जी। तुम ये मुझे बताओ कि तुम्हें और क्या एक्सपेक्टेशन दी थी कि पार्टी मेरे साथ अब क्या सलूक करेगी, मेरे साथ क्या बातचीत करेगी? कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन थी तुम्हारे दिल में? बेशुमार चीजें हैं। मुझे तो उससे पहले तो ये बात करो ना, तो उससे पहले ही जो है ना, मुझे वो रफ्ता रफ्ता जो है चीजें मतलब साइडलाइन होना शुरू हो गया था। मैं आपको आप डिटेल पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। क्यों मैंने आपको सारी डिटेल बताई है जी। मेरे जैसे लोगों से जब ज़रूरत पड़ती है तो आपके पास और कोई सिलसिला ना हो तो वो बड़ा अच्छा चीज़ लगती है, लेकिन जब आपके वो सूरत हाल बदल जाए तो फिर आपको नहीं अच्छी चीज़ लगती कि कल को जो है फिर ये और चीज़ें भी। तो ऐसे तो बेशुमार लोग हैं पार्टीज़ में, जैसे पीपल्स पार्टी में भी हैं, PML-N में भी हैं, हमेशा रहे हैं। क्या ऐसे लोग? वो लोग आदाब दरबारी जानते हैं, वो इस तरह बात नहीं करते जिस तरह तुम फूट के बात करते। तो असद उमर के साथ क्या हुआ? ये खुद बोने हैं, ठीक है, ये बर्दाश्त नहीं, अंधों में काने राजे हैं, तो बाकी सारे अंधे होंगे तो फिर ये काने जो है ना राजे नजर आएंगे। तो तुम्हें किसने कहा है कि तुम इस सियासत का हिस्सा बनो? छोड़ो ये, कुछ और करो। तो मैं किस मुल्क की सियासत करूँ? पाकिस्तान में नहीं करनी मैंने सियासत। तो सियासत ही क्यों करनी है दानियाल? क्यों नहीं करनी? मैं चाहता हूँ कि मेरा मुल्क बेहतर हो। इन हालात में जी, इन हालात से निकालने के लिए जो तुम्हारे मुताबिक जिस किस्म के लीडरान हैं हमारे सारे अक्रॉस द बोर्ड, तो कोशिशें की हैं, सीखा है, अब आगे और कोशिश करेंगे। तो हालात बेहतर हुए नहीं, हालात और खराब हो गए। तो फिर तो कोशिश की तो है, फायदा क्या हुआ है? मैं बता रहा हूँ आपको क्या फायदा हुआ है। इतनी जिद्दोजहद करने का फायदा क्या हुआ? अच्छा सवाल किया आपने। फायदा ये हुआ है कि पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में ये बात साबित हुई है कि मुतबादल निज़ाम बन सकते हैं और चल भी सकते हैं। इससे पहले ये सोच भी नहीं थी, ये तजुर्बा भी नहीं था। आपका क्या ख्याल है कि ये जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम, जो कि मैं भी समझती हूँ कि एन ज़रूरी है सर्विस डिलीवरी के लिए, जो तुम भी समझते हो, जिस पे तुमने बहुत काम किया NRB में, तुम्हारा क्या ख्याल है इसके ऊपर? सियासी कुव्वतों का इत्तेफाक हो गया एक। दूसरा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि आवाम को आगाही हो गई है कि इसके बगैर हम लोगों को कुछ नहीं मिलना? और तीसरी चीज़, क्या इदारे भी तुम्हारी तरह मेरी तरह इस चीज़ के ऊपर एग्रीमेंट में हैं कि ये करेंगे तो निज़ाम चलेगा, ये नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हम दे सकते? क्या इस चीज़ इन चीज़ों पे तुम्हें एग्रीमेंट है? नहीं, आप नहीं है ना। गल है वे कि जदों तेरा पार्टी दे नाल इख्तलाफ होंदा है तो यह गल्लां सारियां बाहर निकल आंदियां ने कि यह गलत है, यह गलत है, यह गलत है, यह नहीं सही, यह नहीं सही। जदों पार्टी दे नाल ठीक ठाक होना है, मुड़ यह गल्लां भुल जाना है। और मेरा तेरे नाल यह है नुकता कि प्रॉब्लम तेरा ऐसी पार्टी दे नाल कि तू चाहता सैं कि बई मेरा आधा विंग होवे जिन्हों मैं नॉमिनेट करा क्योंकि मैं MNA की सीट पर लड़ रहा बजा। आई अंडरस्टैंड दैट, ये तुम्हारा हक है। जो MNA होता है वो अपना विंग सिलेक्ट करता है, और अवैस कासिम साहब को, जिनको तुम चाहते थे कि मेरा विंग बने, वो पार्टी ने उसको विंग लेने से गुरेज किया क्योंकि अवैस कासिम का एक रिकॉर्ड है जो मेरी रिसर्च ने मुझे बताया कि वो अपने पैरों पे कायम रहने वाले लोग आदमी नहीं हैं, वो कभी इधर हो जाते हैं कभी उधर हो जाते हैं। तो पार्टी ने कहा तुम्हें कि नहीं, हमें ये कबूल नहीं, तुम अहसन इकबाल के बेटे अहमद इकबाल को अपना विंग बना लो। बात तुम्हारी वहाँ से शुरू हुई, इख्तलाफ तुम्हारा वहाँ से शुरू हुआ। इस चीज़ को एडमिट करने में क्या गुरेज है? जो अवैस कासिम साहब हैं उनको पार्टी ने टिकट अप्रूव कर दिया था, उनको 21 अक्टूबर से पहले मैं पार्टी प्रेसिडेंट के पास लेके गया था, शहबाज शरीफ साहब के पास। वहाँ पर उनकी जो भी बातचीत थी माजी के हालात के मुताबिक वो मामला सेटल हो गया था। बेसिकली उसकी वजह ये थी क्योंकि अहसन इकबाल साहब जो हैं, जो सेक्रेटरी जनरल हैं PML-N के, जी सेक्रेटरी जनरल हैं PML-N के, उनकी सेक्रेटरी जनरल का सियासी कद नहीं है हमारे ज़िले में। और पिछली दफ़ा भी उन्होंने मेरे से मांग के अपने बेटे को बचाने के लिए ये चेयरमैनशिप ली थी अहमद इकबाल साहब के लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की। उन नवाज शरीफ साहब ने मुझे बुला के कहना पड़ा कि आप मेहरबानी करें इसके बेटे को बना दें। ये तो ये बात उसका जो नाक रगड़ा गया है तारीख में और अपनी जमात के सामने सारों को इस बात का पता है, उसमें उनको तकलीफ़ है बहुत। इसलिए उन्होंने कहा कि अब फिर से मुझे वो दिन देखना पड़ेगा, तो बेहतर ये है कि मैं अभी लड़ाई डाल लूँ और ये MPA-शिप एक ले लूँ दानियाल के नीचे, ताकि उसको ये कंट्रोल ना कर सके पूरे ज़िले को। ये थी बेसिक लड़ाई। फिर तुमने जब क्रिटिसिज्म किया पार्टी का, वहाँ से शुरू होके तुमने कहा कि महंगाई इन्होंने ऐसी बर्बादी लेके आए कि जिसके साथ बिल्कुल साख पार्टी की बर्बाद हो गई, और अहसन इकबाल को तुमने उस महंगाई के साथ जोड़ दिया। PDM की हुकूमत को जो करना था उन्होंने किया। ये एक लगातार पुराना एक सिलसिला चला आ रहा है। IMF की जो कंडीशनैलिटीज़ थी वो इनकी बनाई हुई नहीं थी। हाँ, आई एग्री विद यू कि मैनेज बहुत बुरा हुआ, लेकिन इसका अहसन इकबाल के साथ क्या ताल्लुक था दानियाल? मेरी नाराज़गी ये थी अहसन इकबाल के साथ कि नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरपर्सन होते हुए इसने कोई तहकीकात नहीं करवाई ताकि ये साबित करे कि इमरान खान की वजह से ये महंगाई हुई है। लेकिन पब्लिकली ये बात नहीं ना करनी चाहिए। मैंने की थी। ये क्यों पब्लिकली क्यों की? ये क्योंकि मैंने सर टकरा टकरा के इनको प्राइवेटली कहा था, तो कोई बात सुनता नहीं था। शहबाज शरीफ साहब को पता है, सबको पता है। ये जो शोकॉज नोटिस मेरी जमात ने दिया उसमें उन्होंने गलती से ये बात लिख दी कि आपने जो बयान दिया वो हकायक पे मुबनी नहीं है। तो मेरे जैसा तो इंतज़ार में बैठा होता है कि मुझे कोई ये कहे। जब मैंने शोकॉज नोटिस का जवाब दिया, ठीक है, उसके बाद फिर अगर मेरा शोकॉज नोटिस का जवाब एक्सेप्टेबल नहीं था और मैंने हकायक पे मुबनी बात नहीं की थी तो मुझे निकाल देते पार्टी से। बहुत सारे निकाले हैं, महताब अब्बासी को निकाल दिया और लोगों को निकाल दिया। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये कमेटी बनाते हैं ख्वाजा साद रफ़ी की और जवेद लतीफ़ की, जिसने अहसन इकबाल की और मेरी बैठ के बात करवाने की एक मीटिंग बुलाई। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने 2 मीटिंगें अलग-अलग बनाई, 3-3 घंटे चली वो। तो मेरा जो शोकॉज नोटिस का जवाब था वो एक्सेप्ट हुआ, तो ये सारा कुछ हुआ। पार्टी पागल है कि जिसको मालूम है कि दानियाल अजीज़ वल्द चौधरी अनवर अजीज़ वहाँ पर एक मकबूल सियासतदान है। उसकी बीवी ने 2018 में कई हज़ार वोटों से PTI को हराया हुआ है। 80,000 वोटों से PTI को हराया हुआ है। वो मजबूत लोग हैं। एक मिनट, वो मजबूत लोग हैं। तो वो पार्टी पागल है कि तुम्हें टिकट नहीं देगी दोबारा। क्यों नहीं दिया तुम्हें टिकट? मैं बता तो रहा हूँ आपको। बिकॉज दे आर थ्रेटन्ड बाय यू। यस, कम ऑन दानियाल। उन्होंने मुझे काम करते हुए देखा जब मैंने पैनामा पेपर में, और ये जो पूरी एस्टेब्लिशमेंट, ये अकल नहीं मानती, ये जवाब अकल नहीं मानती। तो आर्मी चीफ फिर क्यों फ़ोन करके नवाज शरीफ को कहता था कि खुदा के लिए दानियाल को बोलें थोड़ा रिलैक्स करें? किस मौजू पे? इसी मौजू पे, पैनामा पे, और ये 4 हल्कों। तुम एक बात कहीं और लेके जा रहे हो। नहीं तो आप कह रही हैं ना कि नहीं है, मतलब वो आपको चीज़ों का नहीं पता है ना। आप प्लीज़, यू हैव टू टेक माई, मेरा इंटरव्यू हो रहा है ना, तो आप मेरी बात तो सुन लें। बट अकल नहीं मानती ना। चले, वो आपकी अपनी मर्जी है। मैं तो वो कहूँगा ना जो सच है। देखो देखो, एक पार्टी है, उसको विनिंग कैंडिडेट चाहिए। 2018 में 80,000 वोट। इस दफा विनिंग कैंडिडेट नहीं चाहिए थे। इस वक्त किसी और के कंधे पे बंदूक रख के चल रही थी, और वो चलती भी देखी आपने। इस वक्त इनके पास ये था कि स्कोर सेटल कर लो, जिसको आने देना है उसका दरवाज़ा खोल दो, जिसको नहीं आने देना उसका बंद कर दो। ये हुआ इस दफ़ा। और मेरा इसलिए नहीं हुआ कि मैं कोई काना था, या मैं कोई करप्ट था, या मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, या मैं काम नहीं कर सकता, या मैं डिसलॉयल हूँ, या मैं डिसिप्लिन में नहीं हूँ। मसला कुछ और था। और अहसन इकबाल का बेटा पाल स्कीम नहीं थी ये दानियाल हटाओ स्कीम थी। लेट्स टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। खुशामदीद, आगे चलते हैं। 2020 दानियाल, तुम पे बहुत मुश्किल साल गुजरा। तुम्हारी बहन किरण, जो कि बड़ी मेहनत करके एक वर्ल्ड क्लास एकेडमिशियन बनी थी, हार्वर्ड से PhD की, बर्कली में वो पढ़ा रही थी, उम्र ज़्यादा नहीं थी, उनको दिल का दौरा पड़ा, वो इंतकाल कर गई। लेकिन उनकी वसीयत थी कि मुझे शकरगढ़ में दफनाया जाए। तुम उनकी मैयत लेके शकरगढ़ आए और इनको यहाँ उनकी तदफीन की, और कुछ ही देर बाद चौधरी साहब का भी इंतकाल हो गया, तुम्हारे वालिद का। फिर तुम्हें पता चला कि तुम्हारी वालिदा कोविड की मरीज़ हो गई हैं और बहुत शदीद बीमार हैं, और ऑपरेशन ज़दा थे तुम उस वक्त। तुम्हें वापस जाना पड़ा। क्या गुजरी तुम पे? बहुत गंभीर वक्त था जी, मतलब मेरे ऊपर बहुत बोझ था और मुझे ऐसे लगता था कि मेरी सारी दुनिया ख़त्म हो गई है। मुझे रंग नज़र आने बंद हो गए थे, हर चीज़ मुझे सादा नज़र आती थी और मुझे समझ नहीं आती थी कि अब मैं सुर्ख गुलाबां दे मौसम विच फुल्लां दे रंग काले, फुल्लां दे रंग काले। तो उसमें जो है मुझे ये समझ नहीं आती थी कि अब मैं ख़ास तौर पर मेरे वालिद साहब का, क्योंकि मेरी ज़िंदगी उनके साथ रोज़मर्रा की बहुत इंटरटॉइंड थी कि एक ही प्रोजेक्ट था हमारा, जो मतलब हम जिस पे काम कर रहे थे, सियासत कह लें या शकरगढ़ कह लें, जो भी है। तो उसमें बहुत ज़्यादा बोझ मेरे पे था कि अब किस तरह से हम लेके आगे चलेंगे, क्या होगा, किस तरह होगा। ये 2022 की बात है जब हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे चंद महीनों के लिए। उस वक्त तुम्हारा एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ शकरगढ़ में, बहुत ही बुरा। उस वक्त मैंने सुना है कि हमजा शहबाज भी तुम्हें मिलने आए, वो उस वक्त वजीर आला थे। सिर्फ मिलने नहीं आए, वो आके 3 घंटे आके बैठे रहे। बिल्कुल बैठे थे, बिल्कुल। उन्होंने पूरी तीमारदारी की, अतातारड़ भी आए और मियां शहबाज ने भी तुम्हारी बड़ी तीमारदारी उस वक्त की, उन्होंने आके की। और उस वक्त अहमद इकबाल, अहसन इकबाल का बेटा, वो भी मतलब उन्होंने पूरी वहाँ पर जो है ना हाजिरी दी और सब कुछ किया। तो मैंने उनका खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा भी किया। जहाँ इतनी कुर्बतें थीं, हमदर्दियाँ थीं आपस में, और इतनी हिस्ट्री थी तुम्हारी, शेयर्ड हिस्ट्री थी, तो दानियाल तुमने चंद बातें करके ये सब कुछ ख़राब कर दिया। आप हैरान होंगे एक बात सुन के, फिर आप कहेंगे कि मैं आपको समझ नहीं आ रही बात की। जिस वक्त पनामा पेपर्स हो रहा था ना, उस वक्त हुसैन नवाज़ आया हुआ था पाकिस्तान, और वक्त के साथ साथ चूँकि वो उसका इंटरव्यू किया था इन्होंने JIT ने वगैरह वगैरह, तो मैं उस वक्त सारी लीगल टीम्स में बहुत इन्वॉल्व था और उन दिन रात उनके साथ काम कर रहा था। तो उनके साथ मेरी बड़ी काफ़ी कुर्बत होगी, अक्सर मुलाकात होती थी तो करीबी हो जाती है। तो एक दिन हम अकेले बाहर बैठे हुए थे, कॉफ़ी पी रहे थे, तो मेज़ रखा हुआ था और मेरे ख्याल में यही दिन थे, मौसम बहुत अच्छा था। तो उन्होंने कहा कि दानियाल, मुझे बड़ी खुशी होती है तुम्हें देख के, कि तुम्हारी काबिलियत देख के, कि तुम किस तरह से काम करते हो, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताऊं, इस पार्टी का जो है ना कोई भरोसा नहीं है, ये तुम्हें आइंदा टिकट नहीं लेने देंगे। हुसैन नवाज़ ने यह कहा जी, और मुझे आज तक वो बात मेरे कानों में गूंजती है। फिर तुमने 2024 की जो ये इलेक्शन आई, ये इंडिपेंडेंट लड़ने का फैसला कर लिया। जी बिल्कुल। मुझे कहा उन्होंने कि जी आपको एडजस्ट कर देंगे ये वो, मैंने कहा मैं एडजस्ट वाला नहीं हूँ, वो किसी और से आप जाके बात कर लें, मैं देख लूँगा, जो मेरी किस्मत में होगा मुझे मिल जाएगा। अच्छा, रिपोर्ट्स तो सारी ये थी कि तुम वहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक जा रहे थे, लेकिन रिपोर्ट्स नहीं, रिजल्ट। लेकिन देखो दानियाल, सच्ची बात ये करनी चाहिए कि यहाँ पर एक PTI की हवा चली है और वो हवा बहुत से लोगों को अपने साथ ले गई है, उठा के ले गई, वहाँ भी चली है। तो उसमें लेकिन जीतने वाली नहीं थी। उसमें क्या तुम समझते हो कि तुम फिर भी जीत सकते थे उस हवा के बावजूद? मैं कह रहा हूँ मैं जीता हूँ। तुम्हारे पास सारे तुम्हारे फॉर्म्स 45 हैं तकरीबन, इकट्ठे कर रहे हैं हम, उनमें भयानक सूरत-ए-हाल वाज़े हो गई है कि क्या किया इन्होंने। तो तुम जाओगे ट्राइब्यूनल पे? बिल्कुल, ट्राइब्यूनल में तो एक मैं पहले भी गया हूँ। ट्राइब्यूनल में उसका फैसला तब हुआ जब हुकूमत को ख़त्म हुए 5 साल हो गए थे, यानी 10 साल के बाद वो फैसला है। तो इस दफ़ा भी कुछ ऐसा ही लग रहा है ना? चले कोई बात नहीं जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें मैं आपको बताऊँ, मैं कहता हूँ कि जी आप ये तीनों को बना दें, इमरान खान को, बिलावल साहब को और नवाज शरीफ साहब को को प्राइम मिनिस्टर, और आप पाकिस्तान का ये महंगाई और बेरोज़गारी का हाल, आपका क्या ख्याल है हो जाएगा? इनके पास प्लान ही कोई नहीं है, रेड़ियाँ खाली हैं। ये रेवड़ियाँ बांटने वाली सियासत इनको आती है, रेवड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। अब तो बाकायदा सियासत करनी पड़नी है कि पाकिस्तान को किसी मंजिल पे लेके जाना, इसको बचाना है। कैसे बचाएंगे? ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट बचाएंगे? इनको तो लेजिस्लेशन के स्पेलिंग नहीं आते। क्या तुम समझते हो कि ऐसे कोई लोग नहीं हैं फेडरल कैबिनेट में या पंजाब में जो कि पाकिस्तान की शिप ऑफ स्टेट को स्टेयर कर सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच जो है ना कि लोगों को निकाल दें, सस्पेंड कर दें, ये नैब को ले आए, फलाने को ले आए, ये पाकिस्तान में नहीं कामयाब। आपको एक इंसेंटिव बेस्ड अप्रोच चाहिए। इस चीज़ का मतलब ही नहीं पता इनको। जब मैं ये बात करता हूँ तो मुंह के ऐसे करके मेरी तरफ देखने शुरू हो जाते हैं, इसका अदा की मतलब है जो। देखो जब तुम NRB में थे, गवर्नमेंट इज स्वोलन बियॉन्ड कैपेसिटी। बहुत से ऐसे लोग गवर्नमेंट सर्विस में हैं जिनको यहाँ होना ही नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं कि दे शुड बी रिड्यूस्ड बाय अप टू 40%, जो कि हुकूमत के अंदर भर्तियां हुई हुई, तुम वो उसका कुछ नहीं कर सके। तुम कहते हो कि ये जो चीज़ें फंडामेंटल फ्लॉज हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में, इनको कोई एड्रेस करने के काबिल नहीं है, ये तुम बात करते हो। फिर तुम कहते हो कि मैंने यहीं रहना है, यहीं सियासत करनी है, इन्हीं पार्टीज़ के साथ मैंने काम करना है। दानियाल मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही। तुम एक तरफ जो तुमने तस्वीर पेंट की है वो इतनी भयानक है कि उसके अंदर उम्मीद की किरण नहीं है, दूसरी तरफ तुम कहते हो कि काम यहीं करना है, इन्हीं पार्टीज़ के साथ करना है, इन्हीं लीडर्स के साथ करना है, इसी निज़ाम में करना है। बिल्कुल, ये तो तजाद है। नहीं, कोई तजाद नहीं, आप थोड़ा इंतज़ार कर लें, आपको बहुत जल्द आपको सारी चीज़ सामने आ जाएगी। क्या सामने आएगा? बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? मैं अभी कबल अज वक्त होगा कि सारी बातें तो तुमने कर ली हैं, तो ये भी कर दो। ये तो अभी फ्यूचर में होनी है ना, तो अभी जो थोड़ा कबल अज वक्त है। चलो पेशिन गोई करो, पेशिन गोई करो, हम भी तुम्हें माने, बस इस मामले को हल करने का कोई रास्ता निकालेंगे जी, उसमें तुम होगे, जाहिर बात है। थैंक यू दानियाल अजीज, थैंक यू सो मच।